वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गेट द ग्लो विद निविया। मेरा नाम दिव्या बाबुलकर है। सो टुडे आई एम रिलीजिंग द सेवेंथ एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, और इस सीरीज में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ जिसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो ऑलरेडी आपने थंबनेल पे देख लिया है, बट स्टिल आई विल शेयर द नेम। सो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इज नन अदर देन निविया एलो हाइड्रेशन। दिस प्रोडक्ट एंड दिस बॉडी लोशन आई हैव बीन यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको पहली बार यूज कर रही हूँ, एंड मेरा जो इसको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है इट्स रियली आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग। सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप अपने लिए आफ्टर वैक्सिंग बॉडी लोशन ढूंढ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वाले लोशन बॉडी लोशन के साथ जाओ निविया के एलो हाइड्रेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि जैसे ही आप इस बॉडी लोशन को अपने हाथ पे लोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस निविया एलो हाइड्रेशन बॉडी लोशन। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन ड्राई प्लस सेंसिटिव है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दी एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा 100% सुटेबल होता है फॉर द नॉर्मल स्किन एंड यू ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन। आपने देखा होगा कि समर्स में या मान लो कोई भी सीजन में जो स्किन होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो स्किन पे क्रैक्स दिख के आते, राइट? इट डजंट मैटर वेट इट नॉर्मल स्किन और ड्राई एंड सेटिस स्किन, तो किसी किसी के स्किन पे जो होता है हाथ के लिए या पूरी बॉडी की तो क्रैक्स दिख के आते। तो जैसे ही आप ये बॉडी लोशन लगाओगे तो क्रैक्स जो क्रैक्स होते हैं ड्राइनेस की वजह से वो सब चले जाएंगे और आपकी जो स्किन है वैसे ग्लो करेगी, शाइन करेगी और हाइड्रेटेड हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, जो क्रैक्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते। एंड नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू एड अबाउट दिस बॉडी लोशन इज दैट, और हर एक बॉडी लोशन की जो एक स्पेसिफिक म्यूचुअल थिंग है निविया की किसी भी बॉडी लोशन की, वो ये है कि जैसे ही आप इसे लगाते हो तो आपका मतलब जो इसका जो मतलब आपको बहुत ऐसे मतलब आपको फील नहीं होने वाला है कि आपने ये बॉडी लोशन लगाया है, एंड ये आपकी स्किन में लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? और इसकी जो खुशबू है वो लंबे समय तक आपके मतलब टिकी हुई रहती है, राइट? यू कैन फील दी परफ्यूम द ब्यूटीफुल एसेंस द ब्यूटीफुल परफ्यूम ऑफ द बॉडी लोशन नो मैटर वेदर इट इज अ बॉडी मिल्क कोकोआ नरिश और एलो हाइड्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज की इसका जो इफेक्ट इस बॉडी लोशन का वो अगले 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक आपकी स्किन के ऊपर आपको दिख के आएगा। सो अगर आप इसको एक दिन के गैप पे भी लगा रहे हो तो इट्स ग्रेट। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जैसे ही आप नहाते हो ना तो नहाते समय ही आप इस बॉडी लोशन को अपनी स्किन में लगा लो, क्योंकि ओके आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग, मैंने हमेशा पहले दिन से बोला है अपने स्किन चैनल के ऊपर और आज भी फिर से बोल रही हूँ कि जैसे ही मतलब जब आप नहाते हो तो हमारी जो स्किन होती है उसके पोर्स ऐसे अच्छे से ओपन हो जाती है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन सजेस्टेड बाय द ब्रांड्स एंड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट कि जो प्रोडक्ट होता है वो आप उसको नहाते ही लगा लो, क्योंकि वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी स्किन पे अच्छे से दिख के आता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, ग्रीसी ऐसे ना ग्रीसी इफेक्ट आएगा या ये नॉन ग्रीसी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये नॉन ग्रीसी है। इसको लगाने के बाद आपके बॉडी के ऊपर ऐसे तेल दिख के नहीं आएगा, ओके? बिकॉज बहुत ऐसे बॉडी लोशन भी होती है उनको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिखने लगती है, दैट डजंट हैपन विद द निविया, ओके? मैंने इसको यूज़ किया है, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस 6 मंथ्स एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। एंड इसका जो परफ्यूम है एसेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा लाइक दिस प्रोडक्ट सुपर ग्लाइड होता है, ठीक है? और बहुत ऐसा लिक्विड टाइप में, तो थोड़ा सा भी लेंगे ना तो ये बहुत इजीली आपके स्किन के ऊपर ग्लाइड करता है, और थोड़ा सा भी लेंगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये अच्छे से आपके स्किन के ऊपर फैल तो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट। मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कलर मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। वंस अगेन थैंक यू सो मच निविया फॉर गिफ्टिंग मी दिस प्रोडक्ट। और अगर आपने इस बॉडी लोशन को अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आई वुड से कि प्लीज जाके इसको यूज़ करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।